हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डी फार्मेसी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, डी फार्मेसी के लिए सीईटी लगती है या नहीं लगती है, पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको डी फार्मेसी से रिलेटेड दी है। तो लेकिन अभी कुछ एग्ज़ाम्स की वजह से वीडियो अपलोड करना नहीं हो रहा था, तो यहाँ से आपको अब रेगुलरली सभी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी पूरी एंड तक। एडमिशन आपका कॉलेज स्टार्ट होने तक सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी डी फार्मेसी से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स के अंदर आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट 22 जुलाई तक है रजिस्ट्रेशन की। ओके, इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब कल लास्ट डेट है। और उसके बाद जो है तो आपका हो सकता है ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन अभी तो इसके कम चांसेस है एक्सटेंड होने के, क्योंकि ये पिछले एक या डेढ़ महीने से डेट आप देख सकते हैं, नाइन जून से फॉर्म स्टार्ट हुए है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपके जो परसेंटेज होती है, आपकी ऑल महाराष्ट्र रैंक होती है, और इसके अंदर आपकी कास्ट कैटेगरी, ये सभी चीज़ें डिस्प्ले होते हैं। तो इसके अगर आपको जो भी चेक करना है, आपकी लिस्ट लगेंगी 24 जुलाई को, मतलब 3 दिन के बाद ही। ओके, तो यहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका नेम करेक्ट आया है या नहीं आया मेरिट लिस्ट में। उसके बाद आपकी जो है तो परसेंटेज, मतलब पीसीबी या पीसीएम का जो परसेंटेज है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर कुछ इनकरेक्ट है तो आपके मार्क्स अगर इनकरेक्ट रहते हैं तो वो आपको करेक्ट करना पड़ेंगे। उसके लिए आपको टाइम दिया गया है 24 से 27 के बीच। अगर आपका कुछ इनकरेक्ट हो चुका है, मतलब ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है इसमें अगर आपका कुछ मार्क्स या वो आपकी कास्ट कैटेगरी या कुछ भी हो अगर इनकरेक्ट हो गया, तो आपको ई ग्रेवरेंस डालना है। यहाँ पर ग्रेवरेंस किस तरह से डालना है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब इसका डेट शेड्यूल आएगा तब। और उसके बाद यहाँ पर आपको फिजिकल मोड में अगर आपने एफसी किया है तो उनके लिए भी जो है तो आपको एफसी सेंटर पर ऑलरेडी फॉर्म करेक्शन फॉर एप्लीकेशन यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, कैंडिडेट शॉल विजिट सबमिट रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट टू क्लेम एनी करेक्शन एट एफसी सेंटर। मतलब आप फिजिकल मोड में भी कर सकते हैं एफसी सेंटर पर जाकर करेक्शन, या फिर आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जब भी इसकी डेट आएंगी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। एफसी शॉल इशू द लेटेस्ट रिसिप्ट, मतलब एफसी सेंटर से आपको नई रिसिप्ट मिलेंगी जो आपने करेक्शन किया है उसकी, आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद 27 को जो है तो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेंगी, और 28 को जो है तो आपको कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, कॉलेजेस के नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो कि सभी स्टूडेंट का यही क्वेश्चन है कि सर हमें कॉलेजेस के नेम कब सेलेक्ट करना है, तो ये भी आपकी जो है तो लास्ट डेट है। मतलब 28 के बाद आपको कॉलेजेस सेलेक्शन करने को मिलेगा। पहले किस तरह से कॉलेज सेलेक्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज पहले डाले या बाद डाले। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट कौन कौन से कॉलेज हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं, ये सभी मैं आपको वन बाय वन इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।